हेलो हेलो। जी, बोलिए। हाँ, मुझे ट्यूशन के लिए बात करनी थी। कौन से क्लास के लिए? क्लास 7th में है बेबी, 8th में जाएगा अभी। एरिया कौन सा है आपका? कर भी गई है, स्टेशन के पास ही है, मारुति नगर ग्लोबल ट्रिनिटी ग्लोबल क्या है? सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, टीचर मिल जाएंगे। ओनली मुझे सिर्फ मैथ के टीचर चाहिए। मैथ? हाँ, ओनली मैथ। साइंस मैथ फिजिक्स पढ़ाते हैं, मतलब अभी फिलहाल तो मैथ ही उसका, मैथ का उसको ज्यादा जरूरत हो रहा है। टीचर मिल जाएगा। क्या चार्जेस क्या है? आपको मैथ के टीचरशिप चाहिए तो रेगुलर चाहिए या अल्टरनेट डेज में चाहिए? अल्टरनेट डे में चाहिए या मतलब सैटरडे संडे में तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, ठीक है। वर्किंग डे में चाहिए, 3 days दे दे अल्टरनेट करके, या फिर हाँ 3 days सही रहेगा। थ्री डेज में आपका मैम एक क्लास सैटरडे संडे आएगा मैम। जैसे MWF होगा तो हाँ मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, अगर TTS होगा तो ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे। नहीं तो मुझे सैटरडे नहीं चाहिए, सैटरडे उसका क्लास रहता है, ठीक है। अच्छा, MWF में चाहिए, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में, यही ना मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, हाँ। हो जाएगा मैम। चार्जेस क्या होगा? चार्जेज मैम आपका 12 क्लास होगा, 3500 रुपया लगेगा। 12 क्लास होगा, 3500 रुपये हाँ, लगेगा। वीक मंथ वीक में अगर 3 डेज क्लास होते हैं तो मंथ में 12 क्लास होते हैं। हाँ, मैं समझ रही हूँ, ठीक है। अगर मैं, ठीक है, वो 12 क्लास में मान लीजिए कि एब्सेंट होते हैं तो नहीं तो 12 क्लास कंप्लीट होगा तभी आपको पेमेंट करना है। ओके। मतलब वो अगर मेरे साइड से एब्सेंट होता है तो फिर मेरी क्या कहते हाँ, हैं वर्किंग। जैसे नहीं, देखिए देखिए, इसमें क्लास में उसमें होता है क्या, जैसे मान लीजिए कि आपका आज प्लानिंग बना कि नेक्स्ट मंडे को हमको कहीं बाहर जाना है, ठीक है। ओके कल मंडे है, कल आपको बाहर जाना है, ठीक है। मंडे को आपके बच्चे का क्लास है तो आप हाँ, टीचर को पहले मना कर दीजिए अच्छा तो तो आपका काउंटिंग नहीं होगा। क्लास काउंटिंग नहीं होगा। जैसे अब मान ओके लीजिए कि टीचर का आप 12-1 बजे टीचर को मना करते हैं तो आपका अच्छा क्लास अच्छा काउंट हो जाएगा। हाँ, मैं समझ गई। और फिर आपके साइड से जो मिस होगा वो हाँ, करेंगे, वो तो मेकअप करेंगे ही करेंगे। टीचर कहाँ के होंगे? आपके लोकेलिटी को रीच करने वाले हमारे पास करीब 50-60 टीचर होंगे, ठीक है ना। तो कौन से टीचर रेडी होते हैं, किनके पास टाइम खाली होता है, जैसे आपका एक कंडीशन था MWF ही, ठीक है ना। सेकंड इवनिंग कंडीशन आपका क्या है? सेकंड कंडीशन टाइमिंग का, कौन से टाइम में आप चाह रहे हैं? टाइम में क्लास, इवनिंग में कौन सा टाइम? चार से इवनिंग, चार के बाद 8 से पहले हो जाएगा? हाँ 8 से पहले हो जाएगा। 4 के बाद और 8 से पहले, उस 4 घंटा के बीच में कोई भी टाइम में टीचर 1 आवर के लिए जाएंगे। हाँ 1 आवर के लिए जाएंगे। हाँ, चलेगा ना। 1 आवर के, वन क्या कहते हैं, अभी तो इधर तो 1 घंटा 15 मिनट ऐसे पढ़ा रहे हैं, 1 घंटे। अभी मेरे दोस्त भी पढ़वा रही है, तो क्या कहते हैं, उसको थोड़ा टाइमिंग देते हैं वो। जैसे कोई टॉपिक, मतलब मान लीजिए बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा टाइम लग वो गया, सब तो ऐसा बात की नहीं। बात है मैम, वो सब तो प्रैक्टिकल नॉलेज लेने की जरूरत है, ठीक है ना। लेकिन कमिटमेंट आपके साथ 1 आवर का ही है। अगर कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं बच्चे को और बच्चा, अगर टीचर को 5 मिनट टाइम देना है तो ऑब्वियसली बात है टीचर टाइम देकर जाते हैं, ऐसा थोड़ी है कि वहां पे छोड़ देते हैं, ऐसा ठीक कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। 5-10 मिनट टाइम देखा नहीं जाता, वो काउंटिंग नहीं होता है मैम। अगर 5-10 मिनट टीचर पहले चले जाते हैं तो आप भी काउंट मत कीजिए, 5-10 मिनट टीचर टाइम दे तो टीचर भी काउंट नहीं करते हैं। ये सब व्यवहारिकता बातें हैं मैम। हाँ, मैं क्लियर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हो रही है। अब क्लियर है? हाँ, आप अब क्लियर क्लियर। है। जी, क्या होता है ना कभी कभी कि 1 आवर का कमिटमेंट करके 45 मिनट 40 मिनट पढ़ाए, उसमें बीच में मोबाइल ही चला रहे हैं टीचर, तो ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज नहीं होगा मैम, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। जो हाँ, हमारे यहाँ से जो भी टीचर जाएंगे वो मोबाइल को छूते ठीक तक नहीं है। है। हाँ, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, तो ये मतलब क्योंकि मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बच्चा को कुछ दे दिया बनाने, ठीक है, बच्चे को आप बनाने के लिए दीजिए, सही बात है कि बनवाइए। ऐसा नहीं कि आप 1 घंटा बिल्कुल पढ़ाते ही रहिए, ऐसा भी मेरा नहीं कहना है। बनवाइए, करवाइए, आप पूरा 1 घंटा भी करवाइए, बट आप देखिए कि वो कहाँ मिस्टेक कर रहा है। आप ये नहीं कि आप बिल्कुल उसको दे बिल्कुल दिए, आप बिल्कुल उसको दे दिए, आप मोबाइल पे बिजी हैं।
बच्चा का आजकल का सारा बच्चा तो मोबाइल से, सबसे बड़ा सिकनेस तो मोबाइल ही हो गया है, तो आप मोबाइल चला रहे हो, बच्चा का आधा टेंशन तो मोबाइल पे ही चला गया है। नहीं, बात सही बोल रहे हैं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा मैम, हाँ बिल्कुल नहीं आएगा। अच्छा, और बाई दे हमें पढ़ाई पसंद नहीं आया तो मतलब हम खुद भी देखे, बच्चे को हम अभी खुद हैंडल कर रहे हैं, खुद पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम सारा कुछ पढ़ाने में अबल है, बाद में मुझे उसका थोड़ा क्या कहते हैं सिलेबस भी ढंग का रखा हुआ है स्कूल वाले ने, तो 9th का कुछ पोर्शन पढ़ा रहा है, तो मैंने एडवांस पढ़ा नहीं था, ठीक है, मैं मेरा बायो था, तो मैथ में नहीं, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं मैथ का टीचर रख रही हूँ, ठीक है, तो अगर मुझे पसंद नहीं आया तो टीचर को मना कर दीजिएगा आप। ओके ठीक जैसे मान है, लीजिए चलिए मैं आपको, जैसे आपको मान लीजिए कि सर 10 दिन पढ़ाने आए, ठीक है, और आपको टीचर पसंद नहीं आए, तो आप 10 दिन हाँ का पेमेंट करके टीचर को मना कर दीजिए। अच्छा ठीक है उसमें कुछ ऐसा नहीं है। इशू नहीं है, ठीक है, तो आप हमको पूरा हाँ एड्रेस अपना व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। मैं कर देती हूँ, कब से आप वैसे कब से कल भेजेंगे? कल 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 सीबीएसई बोर्ड है, ठीक है, ओके। मैं ट्रिनिटी को जान रहा हूँ, मैं ट्रिनिटी के पास से ही बात कर रहा हूँ। मुझे आपका आवाज भी पहचाना पहचाना सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। मैम 15 साल से इस काम को कर रहे हैं, तो हो सकता है मे भी कभी ना कभी आप बात किए होंगे हमसे। ट्रिनिटी के पास आप कहाँ रहते हैं? ट्रिनिटी से 50 मीटर की दूरी पर हमारा ऑफिस है। ट्रिनिटी से 50 मीटर की दूरी पर आपका ऑफिस है, ये तो किस साइड में? साउथ डायरेक्शन, साउथ में, मेन रोड पड़ी है, वहां पे हमारा एक्चुअल में स्कूल है, हमारा स्कूल का ऑफिस है वहां पे, स्कूल का नाम है सिंपल एंड नोबल हाई स्कूल। हाई स्कूल, ध्यान तो नहीं है, एनीवे ठीक है, तो क्या कहते हैं, देखिए भेजिए, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं कंटिन्यू करूंगी, ओके ओके ठीक है, ओके ठीक ओके ओके ओके। है, आप एड्रेस सेंड कर मैं दीजिए व्हाट्सएप पे, मैं भेजता हूँ कल। कल कल मंडे, हाँ ठीक है, कल भेजिए, ठीक है, मैं भेज अभी भेज रही हूँ, ओके ओके ठीक ओके ठीक है, थैंक यू। ओके, वेलकम मैम।